या पवार पर वार। इस आयु में अब आप गुजरात नहीं बना सकते। शरद राव, अगर महाराष्ट्र को गुजरात नहीं घुसने देना है आपको, लेकिन शरद राव मालूम है आपको, अगर गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। शरद राव की बात हो रही है, उन्होंने स्वयं उल्लेख किया कहीं शायद कि जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो शरद राव जी मिले और कहा कि मुझे लातूर के भूकंप का अनुभव है, किस तरह से भूकंप से जूझा जाता है ये मैं जानता हूँ। मैंने स्वयं इसमें भाग लिया है, मैं गुजरात की भी मदद करना चाहता हूँ, गुजरात के लिए भी काम करना चाहता हूँ। 750 संसद के सदस्य हैं, उनमें से एक निकले शरद राव पवार, दूसरे पक्ष में हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व पक्षों की सीमाओं को लांघ जाता है, उनका व्यक्तित्व प्रदेशों तक सीमित नहीं किया जा सकता। गुजरात की चिंता, कुछ करने का मन में भाव, पीड़ा से दुखी, राहत पहुंचाने के लिए तत्पर राजनीतिक मतभेद एक तरफ रह गए और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का शरद राव को मुख्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, सारा काम उन पर सौंप दिया। ये नहीं सोचा कि इसका चुनाव में क्या असर होगा, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, चुनाव लड़ेंगे, अगर लोगों की सहानुभूति मिली तो चुनाव जीतेंगे भी, लेकिन भूकंप में जब सारी दुनिया मदद के लिए दौड़ रही थी, वो दृश्य में भूल नहीं सकता। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों का तांता लगा था, अलग अलग देशों के मदद देने वाले जहाजों से भरे हुए माल ढोने वाले डॉक्टर नर्सें मानवता के आकर्षण से खिंचे हुए, भूकंप की पीड़ा से ग्रस्त लोगों को राहत देने के लिए, एक ऐसा दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें शरद राव जी अपने अलग खड़े हैं, जिन्हें चिंता है कि अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, हम उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। भूकंप में मैंने दृश्य देखा, क्या आदमी मकान गिर गया है, भारी मकान है, उसके नीचे आदमी दब गया है, मगर उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि उस पत्थर को काटने की आरी नहीं है, लकड़ी को हटाने के उपाय नहीं है। विपत्तियों के लिए हमने अपने को तैयार नहीं किया है, मगर शरद राव को इस बात का ध्यान है। बात दिखने में छोटी होगी मगर बड़ा महत्व रखती है, इसलिए वो अलग हैं औरों से, इसलिए विशिष्ट हैं।